सो यू गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल इंपीरियल गेमर्स। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं देने वाला इंपीरियल गेमर्स को अपना इंट्रो, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो ब्रो, आज किसको इंटरव्यू में ले रहा है? अविनाश ब्रो। अभी ब्रो यार, तुम्हारे दिल की मैंने रख ली ब्रो, तुम्हारे प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र यानी स्पेशल फ्रेंड प्रिंस भाई को ले रहा हूँ, यानी प्रिंस गेमिंग को ले रहा हूँ। तो आप सभी लोग आज प्रिंस गेमिंग के साथ का इंटरव्यू एंजॉय करो। तो बिना वक्त के भाई शुरू करते हैं इंटरव्यू को। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। तो सबसे पहले हेलो ब्रो, वेलकम टू द इंटरव्यू द लेट मॉर्निंग शो। तो सबसे पहला सवाल, आपने यूट्यूब कब ज्वाइन किया था? ब्रो मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो, मतलब एक साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। एक साल पहले, ओके। और प्रेजेंट में आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे मिनिमम? अभी मेरे 2880 सब्सक्राइबर्स हैं। वाओ। एंड कोई Q&A का प्लान? मैंने भी Q&A किया था, थोड़े दिन ही हुए अभी, तो व्लॉगिंग चैनल पे किया था मैंने। अच्छा, और जैसे कि अर्निंग कुछ कितनी होती है? YouTube से इतनी ज्यादा अर्निंग तो नहीं होती है, बट फिर भी अभी मतलब मेरी फर्स्ट पेमेंट तो आई नहीं है, बट फिर भी यार महीने में बन ही जाता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत में कुछ एग्जांपल देंगे? लाइक अभी तो स्टार्टिंग है, सो मान लो आप 600-1000 तक मान लो आप स्टार्टिंग है ना अभी। मंथली का? यस मंथली का, क्योंकि यूट्यूब से इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। तब भी ठीक ठाक तो है। yes, चाइल्डहुड के हिसाब से बहुत ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो है, हम लोग के लिए बहुत ठीक है, हम लोग चाइल्डहुड में आते हैं। yes, yes. और रियल हाईपिक्सल खेला है? रियल हाईपिक्सल मैंने खेला है, बट यार फोन में खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता यार। तो आगे रियल हाईपिक्सल खेलेंगे? अगर पीसी मतलब लैपटॉप वगैरह होगा तो जरूर खेलूंगा। वैसे मेरे पास लैपटॉप है, बट उसमें यार खेला नहीं जाता बहुत, मतलब प्रोसेसर अच्छा नहीं है। लगी। यस। लैग बहुत करता होगा। हाँ, यस। तो यानी हाईपिक्सल रियल हाईपिक्सल पर सीरीज आएगी कि नहीं आएगी? रियल हाईपिक्सल पे मैं सोचूंगा। अभी मैं मोबाइल में खेलता हूँ ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लैग है, सो अभी तक तो नहीं कर रहा हूँ मैं। और थंबनेल कहाँ से बनाते हो? मैं थंबनेल बनाता हूँ पिक्सल लैब, और कभी कभी पिक्सार्ट भी यूज कर लेता हूँ। सही से मेरा, मैं भी यही। और कुछ ये जो एनिमेटेड टाइप में थंबनेल लगते हैं, वो मेरे ख्याल से नोवा स्किन से आते होंगे। यस, मैंने एक पैक से डाउनलोड कर रखा है, उसमें बहुत सारे हैं, तो कोई भी लगा लेता हूँ। ओह नाइस। तो आपकी मतलब सबसे ज्यादा कब हुआ था वीडियो, सबसे ज्यादा हिट कौन सी लग गई है? मेरी एक वीडियो हिट गई थी 14K पे सैट नेटवर्क के ऊपर। अब 15K है। 15K खुद भूल गया। जब ये लेकिन थंबनेल भी उसका ओपी था, इसलिए गई हिट। हाँ, थंबनेल को। यस। आप तुमने तुम्हारी ऑडियंस को बहुत कर्रे से मैनेज कर लिया बीरो। क्या? वॉइस अपनी ऑडियंस को बहुत कर्रे से मैनेज किया है, तभी जो तुम्हारी ऑडियंस है वो तुमसे कनेक्ट हो गई, मतलब आराम से अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी वीडियो नहीं भी चलती ना, तो 700 से तो वीडियो ऊपर ही जाती है। मेरा बस यही एम रहता है कि 700 ऊपर जा ही जाए। वही आई नो, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया चैनल को। नहीं तो मेरा तो डूब नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी ना, आपने मतलब डेली कंटेंट नहीं डाला, तब भी आप रेगुलर नहीं रहे, आई थिंक सो। हाँ, 1K के बाद रेगुलर नहीं रह गया, और ऊपर से मैंने थोड़ा हाईपिक्सल को अलग छोड़ दिया, मतलब हाईपिक्सल को कंटेंट लाता ही नहीं था। बात ये ना, ऑडियंस एक ही चीज देखती है।
ऑडियंस में मजा नहीं आता जबकि हाई पिक्सल पे आप वीडियोस बनाते हो तो। वही वही हाई पिक्सल में ये था भाई, हाई पिक्सल में मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस मेरे को देखने आए ना कि कोई हाई पिक्सल की आईपी लेने आए, इसलिए मैंने अलग शुरू किया था। चलो आज डेड है तो कल सही हो जाएगा, कल अच्छा चलेगा। हाँ। तुम कभी कोई दूसरा गेम ट्राई करने वाले हो? हाँ, अभी मेरा मेन फोकस तो ये है कि मैं भी हाई पिक्सल लाइक सर्वर से अच्छे खासी ऑडियंस गेन कर लूं जो कि डेली मेरे चैनल पे आए, एंड तब मैं न्यू गेम्स ट्राई करूंगा। इसी चैनल पे या कोई और चैनल को लेगा? नहीं, इसी चैनल पे, वो अच्छी खासी ऑडियंस आ जाएगी ना। अभी ऑडियंस इसीलिए है क्योंकि उनको हाई पिक्सल लाइक सर्वर चाहिए, बट ऐसी ऑडियंस आनी चाहिए जो कि हर एक वीडियो देखे। मैंने 1K पर करके अलग करके बहुत ज्यादा गलती कर दी थी, मेरे को भी अराउंड 5K पे करना चाहिए था। अभी मेरा मेन टारगेट 5K है, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा न्यू गेम्स की। चलो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन पूछ जो है तुम्हें आए थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछेंगे जो ब्लॉगिंग के फर्स्ट वीडियो पे आया था फेस्टिवल पर, वही पूछेंगे। अच्छा तुमने ये बताओ, सबसे पहले काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि तुमने अपने फर्स्ट ब्लॉग की कमेंट ऑफ क्यों करके रखी है? अरे बात ये है ना कि मतलब कभी कभी अपने आप ही बंद चल जाती है, मैं तो नहीं करता हूँ वो, फिर मैं भूल जाता हूँ उसको ऑन करना, वैसे वो अपने आप ही डिसेबल हो जाती है, आई डोंट नो क्यों, आई थिंक कोई ग्लिच होगा। पूछ रहे हैं प्रिंस भाई तुम्हारा नाम पिंचू है क्या ऐसे कुछ? वो मेरा निकनेम है। काफी लोग यही पूछ रहे हैं, मतलब कोई एसएमपी बनाने का प्लान है ये मैं पूछ रहा हूँ। एसएमपी वगैरह का भी प्लान तो नहीं है, बट एक बार बनाई थी वो, मतलब लोग यार ज्यादातर स्काई ब्लॉक ही खेलते हैं तो एसएमपी बनाने का कोई ज्यादा मैटर नहीं करता अभी। तेरा प्रमोशन होगा तो मेरा भी होगा, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अबे ये आदर्श भाई कह रहे थे, मैं नहीं बोला, बता दूं मैं चैट पढ़ रहा था। और ये मैं पूछ रहा था जैसे कि GTA तो जानते होंगे? यस यस GTA जानता हूँ। तो GTA की सीरीज आएगी फ्यूचर में? ही फ्यूचर में तो आएगी अगर अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा और पीसी बिल्ड हो गया तो। इंस्पिरेशन, हेलो हेलो, तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है ब्रो? मेरा भी इंस्पिरेशन तो सबसे पहले तो ट्रिगर्ड इंसान भाई थे जिनसे मैंने माइनक्राफ्ट सीखी है, एंड देन चपाती हिंदुस्तानी गेमर जिनसे मैंने हाई पिक्सल सीखा है। तो ट्रिगर्ड इंसान के पास स्टोरी टाइम वीडियो आने का कोई संभावना है? ट्रिगर्ड भाई की तरह ट्रिगर्ड भाई के पास कोई स्टोरी टाइम वीडियो आएगी? I think अभी तो नहीं आएगी। एज कितनी है? मेरी एज है, मेरी एज है 14। ओहो, और एज है 14, स्कूल कॉलेज है? कॉलेज है, स्कूलिंग में तो हो गया भाई 14 में तो। क्लास कौन सी? क्लास है 9th। नाइंथ? यस 9th। ओके, मतलब अब की 9th था या रिजल्ट के बाद 10th में जाओगे या रिजल्ट के बाद 9th में जाओगे? रिजल्ट के बाद 10th में जाऊंगा ना। 10th में? मैं 11th में जाऊंगा यार, मेरे बोर्ड चल रहे हैं आपकी अभी लगेंगे मेरे, इसीलिए थोड़ा आजकल ऑफलाइन हो गया। मेरा फुल नेम है प्रिंस सिंह। प्रिंस सिंह, और कोई क्रश? नो क्रश। GF? नहीं है ब्रो। सिंगर है? ओह नाइस। रहते कहाँ पर हो? मैं पंजाब में। पंजाब में रहते हो? यस। मतलब कोई फर्स्ट यूट्यूबर जिसके साथ पहला कांटेक्ट हुआ था? कांटेक्ट मेरा फर्स्ट जो हुआ था ना वो मेरा, मैं डिकॉर्ड पे किंगस्टार की वजह से आया हूँ, वो किंगस्टार रिकॉर्ड के बारे में, तो कांटेक्ट मेरा किंगस्टार के साथ ही हुआ है। भाई का क्वेश्चन है एक कि उन्होंने तो ऐसे पूछा है भाई इतने से बच्चे के धोखे, तो भाई
वही काफी लोग आपके चैट पे कह रहे थे फर्स्ट फेस रिवील वीडियो में, तो उसका क्या आपका रिएक्शन है, मतलब कुछ बताना चाहिए, रिप्लाई देना चाहेंगे उन लोगों को, रिप्लाई देना चाहेंगे कि जिन लोगों को ये है कि इसके इसके इतने सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए, मतलब ये लोग जेलस हो जाते हैं, देन कमेंट कर देते हैं, खुद की मेहनत नहीं कर सकते और दूसरों पे कमेंट ही कर सकते हैं। हम लोग साथ में स्पॉन्सर करते हैं, मेरे को आया है स्पॉन्सर, ये है कि मैंने खुद को दिया है 5 रुपए का स्पॉन्सर कि मेरी एक वीडियो है, मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने सबको दिखाया कि हाउ टू गेट आईपिक्सल अकाउंट, एकदम रियल है, तो अगर किसी को आईपिक्सल अकाउंट चाहिए तो उस वीडियो को जाके देख लेगा, कमेंट में लिंक है, तुम भी एक बार कह दो, जाके तुम भी देख लें। आपके कॉन्टैक्ट कहाँ था, कहाँ कौन कौन से यूट्यूबर से है, मतलब किस किस से आपकी बात होती रहती है? अभी जैसे सबसे ज्यादा तो मेरी बात माइनर जीवी के से होती है, एंड कभी कभी नोबिता सर से भी होती है, बट उनसे कभी कभी होती है, वो ज्यादा बिजी रहते हैं ना, उनकी जॉब भी होती है। नोबिता भाई की तो जॉब भी है ना, वो बहुत बिजी रहते हैं। बगली लगेल से कॉन्टेक्ट है तो उनको प्लीज बोल देना आने को। कहाँ कितनी दूर है, उनके तो डीएम भी क्लोज है मेरे लिए। डार डेमन से तो बात होने लगी है मेरी अब आजकल। अच्छा डार डेमन से उनके डीएम ओपन है क्या? नहीं क्लोज है, इंस्टा पर बात की थी मैंने, बड़ी मेहनत से बात की थी, इंस्टा पर भी रिप्लाई नहीं आया था, फिर उसके बाद मैंने स्टोरी में मेंशन करके उनको पूछा, फिर उन्होंने हाँ किया, फिर उन्होंने मुझे जनरल में ले लिया, फिर अब बात होने लगी है। वो 12 को फ्री होंगे, मतलब 5 को फ्री होंगे, 5 के बाद उनके पेपर चल रहे एग्जाम, तो फिर अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू की क्या बात है उनके साथ? इंटरव्यू का हाँ होगा होली की, जैसे मेरे ख्याल से 18 को होली पड़ रही है, तो 19 को आएगा उनके साथ वाला इंटरव्यू। चलो मैं भी वेट करूंगा। जस्ट वेट, तेरे वाला तो आपकी सैटरडे को ही आएगा, आपकी सैटरडे मेरे ख्याल से 25 को पढ़ रही है। हाँ 25 कह रहा हूँ, 5 को पढ़ रही है, भाई मैं भी अजीब हो गया, 25 बता रहा हूँ 5 को। मेरे भी एग्जाम्स आने, अरे हाँ तेरे आने वाले होंगे, मेरे बोर्ड आने वाले, प्री बोर्ड हो गए। अच्छा ये व्लॉग चैनल पे डेली व्लॉग तुमने कहा था, लेकिन तुम डेली नहीं डालते हो व्लॉग। अरे वो बात ये हुई कि मैंने एक दिन डेली व्लॉग डाला, एंड उसके नेक्स्ट दिन हमारा प्लान बन गया अमृतसर जाने का, एंड रिलेटिव्स के घर पे मेरे को मतलब व्लॉग बनाने में अलग सी फील आती है, सो तभी मैं डेली व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब क्या था भाई, मैं भूल गया क्वेश्चन ही भूल गया। चलो तब तो कोई और क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन अभी याद आ जाएगा। वो जो व्लॉग चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं तेरे? मेरे 217 है। ओ भाई साहब, वो हाइड करके बैठे हो, बताओ इतने सब्सक्राइबर तब भी हाइड करके बैठे हो, शर्म नहीं आती? वो मेरा भाई ज्यादातर मेरा व्लॉगिंग चैनल मतलब संभालता है, तो उसने किया होगा। वही मैं कहूँ, बंदा हाइड करके बैठा, इतने सब्सक्राइबर है तो हाइड कर बैठा। मेरे जब इतने हुआ करते थे, मैं पूरे गांव भर में बताया करता था, शहर भर में, कि मेरे इतने सब्सक्राइबर है तेरे। डेली कितनी वीडियो अपलोड कर देते हो? मैं मतलब जब जब मैं फ्री होता हूँ, एंड कभी कभी लगता है कि ये वीडियो अच्छी नहीं चलेगी, तो मैं ज्यादातर 2 वीडियो डाल देता हूँ। जो सवाल भूला था तो मैं पूछना चाहता हूँ, वॉइस ओवर के व्लॉग वॉइस ओवर करते हो? नहीं, एक व्लॉग मैंने वॉइस ओवर किया था, एंड उसके बाद मैंने सारे वैसे किए हैं। तो जो व्लॉग वॉइस ओवर किया था उसमें तुमने भाई बोल भी दिया था कि ये व्लॉग वॉइस ओवर रहेगा। मैंने देखा था तुमने बोला था। मैं सोच रहा था भाई मैं भी वॉइस ओवर करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने नहीं पूछा कि वो व्लॉग वॉइस ओवर रहेगा, लोगों का चुतिया करता है। लोग कमेंट में गाली भर रहे होंगे। पहले बताना सही है ना, फिर क्योंकि फिर लोगों को इंटरेस्ट बना रहेगा। तुम्हारा कोई वो आ रहे वाला है सर्वर, वो पीसा सर्वर?
वो प्रिंस नेटवर्क है ना, प्रिंस नेटवर्क तो वो क्या कहते हैं, अभी मेरे को कोई अच्छे खासे डेवलपर्स नहीं मिल रहे हैं, एंड अगर मिलेंगे तो बनाएंगे। एंड वैसे भी यार वो होस्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब भी हम लोग एक सर्वर बनाते हैं तो, बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने तो भाई अभी मैं सोचो जब मेरे पास स्पीड होस्ट होगा ना तभी मैं सर्वर बनाऊंगा, प्रिंस नेटवर्क नहीं बना रहा मैं। मैंने एक सर्वर बनाया था क्यूबिक क्राफ्ट अपना, उसको भाई फ्री का था, फ्री का होस्ट पे था, पूरा सब कुछ भर गया था, बस लॉन्च करना बाकी था और बैकअप लेके नहीं रखा था, मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। और लास्ट टाइम जिस दिन लॉन्च करने वाला था उसी दिन वो रिसेट हो गया और नोटिफिकेशन भी मेरी डिस्कॉर्ड की ऑफ थी और रिसेट हो गया, मेरा पूरा सर्वर चला गया। पूरी मेहनत बर्फ के बाद सब लोग कमेंट में लिख रहे RIP क्यूबिक क्राफ्ट, मैंने कहा वाह सही है तेरे चैनल पर। तो फ्री पे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कई लोग खेलते हैं एंड सर्वर बंद हो जाता है तो हम भी गालियां पड़ती हैं। बंद होगा तो हमें पड़ेगी, चालू रहेगा तो हमें पड़ेगी भाई। हाँ। अगर सर्वर में जाओ देखने की कितने लोग खेल रहे कैसे खेल रहे हैं और सामान मांगने लगेंगे ना दो तो देने लगेंगे भाई। हाँ, क्या करे तो करे क्या, इसीलिए सर्वर ही में नहीं जा। सर्वर में ये भी बहुत चल गया ना मनी ग्लिच, दो मिनट में लोग रिच हो जाते हैं। तेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक स्ट्राइक है, कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट कोई भी? स्ट्राइक तो आया नहीं है बट कॉपीराइट क्लेम आया था एक आधी वीडियोस पे, एंड फिर मैंने रिसर्च की थी इसके ऊपर एंड मुझे पता चला म्यूजिक नहीं यूज करना होता तो तब से मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे पे तो 8 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक है, स्ट्राइक जो मतलब एक्सपायर हो चुकी हैं बट हैं। अच्छा, अभी दो एक्टिव हैं अभी। अच्छा दो एक्टिव पड़ी हुई है तो फिर क्या बर्बाद है। और क्लेम की जो बात कर रहा है भाई, तूने रिसर्च की, मेरे पे तो क्लेम अधिकतर वीडियो पे आ जाता है भाई, ना चाहो ना चाहो तो भी आ जाएगा और रिच कम कर देता है क्लेम। यस वीडियो की रिच कम कर देता है, सजेशन एकदम लो हो जाती है। अब मैं स्टोरी टाइम वीडियो बना के डाली, मतलब अपलोड करने वाला था लेकिन जैसे ही अपलोड किया वैसे उस पर क्लेम आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ अब, या तो मैं बिकॉज मैंने यहाँ एडिटिंग से भी डिलीट कर दिया है, अब या तो मैं वीडियो ही ना डालूं या तो मैं फिर क्लेम सा हूँ तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच के ऑडियंस से ही सोच के डालूंगा। ऐसे म्यूजिक की मत यूज किया करो ना। मैं यूज किया था सैड म्यूजिक का BGM यूज किया था, म्यूजिक भी नहीं यूज किया था BGM यूज किया था कि स्टोरी टाइम थोड़ी अच्छी लगे, लेकिन वाट लगा दी मेरी लोगों ने। YouTube भाई बहुत गंदी चीज है, कभी भी कुछ भी कर देता है, किसी का भी चैनल उड़ा सकता है। मेरी ऑडियंस को थोड़ा सब्सक्राइब करने को बोल लो। So guys, Imperial Gaming के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इनके 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स करा दो। बहुत सही बहुत सही। और चाहो तो ये अपनी ऑडियंस तक वीडियो पहुंचाने के लिए कम्युनिटी में डाल सकते हो, फिर से सस्ता प्रमोशन डालूंगा ही। सस्ता प्रमोशन के लिए मैंने ये तो निकाला है। और तीन चार वीडियो से जो अविनाश ने आपका रोस्ट किया है उसके लिए सॉरी यार, पता नहीं ये रोस्ट कर देता है। इतनी देर से कर रहे हैं, मैंने कहा अब मैं पूरी दिख ही रहूंगा। चलो सही है, बढ़िया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय टाटा बाय बाय सी यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग तो बोल दे भाई। ओके बाय, डन चला गया वो, हम भी चाहते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना चाहे अपनी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो भी इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।